सो नमस्कार सभी को, और मैं ललिता विश्वकर्मा, और मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हो कि पर्सनालिटी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये मैं NJMART से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे एक्चुअली मैं एक इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मैट्रेस की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है। और जैसे कि मैंने इसे खुद यूज़ किया, और फिर मैंने अपने एक फ्रेंड्स को इसे दिया और उन्हें ट्रेमेंडियस रिजल्ट मिला है, तो मैं आज उनका टेस्टिमनी लेके आई हूँ आप लोग के सामने। तो प्लीज़ आप लोग सुनिए उन्हें क्या क्या बेनिफिट हुआ और किस किस तकलीफ़ से वो जूझ रही थी, जो कि हालांकि मुझे पता है उन्हें 17 सालों से माइग्रेशन का प्रॉब्लम था, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जो आप खुद उनके मुंह से सुनेंगे, और आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना इतना इफेक्टिव ये प्रोडक्ट है। लोग पहली बार सुनते हैं ना, बिलीव नहीं करते, बट ये हॉनेस्ट एक रिव्यू लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए, हॉनेस्ट कह सकते हो कि आपके लिए टेस्टिमनी लेके आई हूँ। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताना, शेयर करना, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो और लोग इसे लेने से पहले एक मिनट भी सोचे नहीं, क्योंकि हम मेडिसिन तो बहुत खाते, ना जाने कितने मेडिसिन, कितने पैसे खर्च करते हैं, बट एक बार आपने इसे ज़रूर यूज़ करना। और एक हॉनेस्ट टेस्टिमनी लेके आई हूँ आप लोग के सामने, तो ज़रूर सुनिए इन्हें क्या 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 डिजीज़ थे और कैसे इन्हें रिजल्ट मिला और कितने दिन में इन्हें रिजल्ट मिला। सो आइए बिंदु मैडम। तो ये हैं बिंदु मैडम, जो कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मुंबई कर बिंदु, आप देख सकते हो, और वहाँ पे भी ये बहुत ही जल्दी अपना रिव्यू शेयर करेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर करना, आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। नमस्ते NJMART, मैं बिंदु विश्वकर्मा, और मुझे ललिता जी ने इस मैट्रेस के बारे में बताया था। सबसे पहले इन्होंने ही इस मैट्रेस को परचेस किया, और मुझे सिर्फ और सिर्फ पिलो दिया था यूज़ करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पिलो यूज़ किया था 3 दिन। और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थे वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम था। क्यों ये प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि मुझे डिप्रेशन और एनजाइटी का प्रॉब्लम बहुत सालों पहले से ही था, मींस मुझे 17 ईयर हो चुके हैं पूरे, मतलब इस दर्द को झेलते झेलते, सर दर्द, हेडेक, ऐसा मैं जब भी चलती थी रास्ते में तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आना, बहुत जल्दी से मैं मेरा BP लो हो जाता था। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का मैंने फेस किया है अपने बॉडी के ऊपर लेके। मुझे लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, अब जब ठीक होऊंगी तो बस वो एक लास्ट ही स्टेज होगा, जब मतलब जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँगी, मुझे ऐसा फील होता था, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी, अदरवाइज मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। मुझे